तो जैसा कि दोस्तों मेरा चैनल में आप लोग को देखने को मिला होगा 1000 लीटर प्लस का टंकी कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे 500 लीटर प्लस यानी कि 550 लीटर का वाटर टैंक है जो आज इसको फिटिंग करेंगे, पूरा फुल डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों मेरा चैनल में जितना भी वीडियो जो भी आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रिशियन से जुड़ी हुई और प्लम्बर से जुड़ी हुई वीडियो देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बोरिंग पहले से यहाँ हो चुका है और उस पर समरसेबल भी फिटिंग हो चुका है, जिसका वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं 1 HP का क्रम्पटन कंपनी का समरसेबल इसमें लगा हुआ है जो 10 स्टेज का है। तो दोस्तों इस टैंक को इसमें इंस्टॉल करेंगे जो छत के ऊपर मेरे साथी लोग चढ़ा रहे हैं। और देख सकते हैं ये टंकी जो है 500 लीटर का टंकी है और कंपनी इसमें 10% एक्स्ट्रा देती है जो 550 लीटर का होता है। तो पार्टी यहाँ पर क्या किए, छत में जहाँ टंकी फिटिंग होगा वहाँ पर एक पिंडा टाइप का पहले से बना दिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप टंकी छत के ऊपर रखते हैं अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है तो इस तरह का पिंडा आप जरूर बनाएं। इससे क्या होगा कि पानी उसके नीचे जो बारिश का मौसम में जो होगा नीचे जो जमा होता है उसके चलते से क्या होता है छत में थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, पानी जमने से क्या सीपेज हो जाता है, इससे आपका लाइफ ज़्यादा बढ़ जाता है टंकी का। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं इस टंकी को होल्ड करने के लिए पाइप को गर्म करके किया जा रहा है। वैसे तो मेरे पास इसके अलावा और भी है जो ड्रिल मशीन से होल्ड करते हैं, तो आज के वीडियो में पाइप से होल्ड करके गर्म किए। तो देख सकते हैं इसमें 1 इंची का पाइप फिटिंग होगा जो छोटा छोटा करके 3 पीस टुकड़ा कटिंग करेंगे। तो हमारा दोस्तों 3 पीस का जो टुकड़ा जो हो रहा है 4 इंची 5 इंची का है, अब 4 इंची 5 इंची 6 इंची इस तरह करके ले लेना है, 3 पीस टुकड़ा करना है। ये कहाँ फिटिंग होगा चलिए बताएंगे। तो कटिंग करने के बाद इसमें फाइलिंग थोड़ा सा कर लेना है, क्योंकि इसका जो धारा जो बन जाता है कटिंग करने के बाद वो क्या होता है कि इसमें सॉल्वेंट जो लगता है उसको पूरा निकाल देता है। अगर ये धारा को आप पूरा मुरख दीजिएगा उसको तो क्या होगा पूरा अच्छी तरह से चिपकेगा, सॉल्वेंट के साथ चिपकेगा और लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख सकते हैं इसमें बल्ब में इस टुकड़े पाइप को फिटिंग कर दे रहे हैं और ये हमारा जो बल्ब है टंकी में फिटिंग होगा टैंक निपल में। तो इसमें देखिए बल्ब में लगने के बाद फिर उसके बाद आउटलेट जो टंकी के पास, सबसे पहले टंकी में दोस्तों वाटर टैंक निपल लगेगा, उसके बाद बल्ब लगेगा, फिर यूनियन लगेगा। इस तरह से इसे फिटिंग करेंगे। तो हमारा 3 पाइप जो टुकड़ा हुआ है देख सकते हैं बल्ब के दोनों तरफ टुकड़ा टुकड़ा पाइप कनेक्ट कर ले रहे हैं, यूनियन भी कनेक्ट कर ली। दोस्तों ये 1 इंची का सभी फिटिंग्स है, जैसे ये हो गया UPVC बल्ब और ये देखिए वाटर टैंक निपल, ये 1 इंची का है, 3 हमारा वाटर टैंक निपल लग रहा है इसमें। और तीनों में वाशर रहता है दोस्तों, जिसमें से देखिए एक में वाशर निकाल दिए हैं और इसमें क्या किए इसका निकाल के आउटलेट का जो टंकी का है उसमें डबल वाशर डाल दिए हैं। इससे क्या होगा कि आपका पानी एक जरा सा लीकेज होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। देख सकते हैं 2-2 वाशर इसमें डाल दिए आउटलेट में और वाटर टैंक निपल लगा दिए जो 1 इंची का है। और सभी दोस्तों हमारा जितना भी फिटिंग्स है प्रिंस कंपनी का है और टंकी जो है सनसिटी का जो है सनप्लास्ट ब्रांड का जो आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटलेट के बाद यहाँ जो होल जो हुआ है मेरे साथी किए हैं, 2 पाइप हमारा इसमें नीचे से ऊपर आ रहा है। एक पाइप जो हमारा दोस्तों समरसेबल से डायरेक्ट कनेक्ट होगा वाटर टैंक में जो पानी इनलेट होगा और दूसरा पाइप है वो हमारा आउटलेट है। तो आउटलेट में ही एयर पाइप लगेगा दोस्तों, एयर पाइप लगाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपका जो पाइप ड्रॉप होता है टंकी से फिटिंग करने के बाद आप जहाँ ड्रॉप करते हैं वहाँ पर आपको एयर पाइप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एयर पाइप लगाएंगे नहीं तो हवा निकलेगा कैसे, हवा फिर आपका नल के थ्रू से ही निकलेगा, जब नल के थ्रू से निकलेगा तो फिर आपका प्रेशर डाउन होगा। तो इस तरह से कभी ना करें, जब भी अगर फिटिंग करते हैं जहाँ जहाँ आपका ड्रॉप होता है वहाँ पर आपको एयर पाइप देना बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन के बाद फिर टुकड़ा पाइप एक लगाए, उसके बाद टी लगा दिए 1 इंची का। तो यहाँ टी लगा के फिर देखिए कटिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कटिंग हो जाएगा ये और उसके बाद फिर यहाँ पर टी कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो फिटिंग्स है जितना भी फिटिंग्स है टी है पाइप है सब प्रिंस कंपनी का है। इसमें यूनियन लगा दिए, इसमें क्या है पार्टी कभी भी खोल बाहर सकते हैं, तो खोल भी सकते हैं लगा भी सकते हैं अपने से, अगर टंकी वगैरह साफ करना हो ऐसी जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन टंकी को जब भी फिटिंग करें तो खोलने का सिस्टम भी जरूर देना चाहिए। तो हमारा ये टंकी देख सकते हैं 500 लीटर का है, अब इसमें इनलेट का भी कनेक्शन पूरा कर लेते हैं।
तो दोस्तों इनलेट में भी हमारा 1 इंची का एल्बो लग रहा है, जो इनलेट भी पाइप हमारा 1 इंची का रहेगा और आउटलेट भी 1 इंची का रहेगा, दोनों पाइप पे 1 इंची का रहेगा जो UPVC का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी एल्बो लगा दे रहे हैं, एल्बो लगा के फिर इस पाइप को यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पूरा कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं ये नीचे की ओर जो लेके आए हैं दो पाइप, इस तरह से होल कर लिया, छज्जा पा लिया, एक ऊपर छत का छज्जा तो हाई था और उसके बाद फिर नीचे लिंटन में भी छज्जा था, तो दोनों तरफ होल कर लिए दोस्तों। दोनों को फिर इस तरह से एल्बो लगा के घुमा के लेके जाना पड़ा, क्योंकि इसके जस्ट नीचे घर का द्वार है तो इसके सीधे नीचे तो नहीं उतार सकते, फिर यहाँ से बैंड घुमा के इसको आगे बढ़ा ले रहे हैं जो बोरिंग के पास नीचे आ जाएगा। बोरिंग हमारा दोस्तों देख सकते हैं पार्टी का जो है बोरिंग घर के जस्ट बाहर ही में है, क्योंकि पीछे साइड जगह नहीं था और पानी का मात्रा यहाँ अच्छा निकला। दोस्तों मेरा सजेशन यह है कि अगर आप अपने घर में टंकी लगाते हैं तो कोशिश करें कि आप 1000 लीटर का टंकी ही लगाएं, अगर बजट कम है उसके बाद फिर आप कम मदानी की छोटा जो 500 लीटर का है टंकी लगा सकते हैं। ये टंकी का रेट का बात करें तो दोस्तों इस टंकी का रेट जो पड़ा जो 3 लेयर का है और सनसिटी का है जो सनप्लास्ट ब्रांड का है वो 3200 से लेके 3400 के बीच में आपको मिल जाएगा 3 लेयर का, ठीक है, जो 550 लीटर का रहेगा। अगर आप अपने घर में फैमिली में छोटा फैमिली है बजट भी कम है तो इसके अनुसार आप इस टंकी को लगा सकते हैं, चूज कर सकते हैं, परफेक्ट टंकी है और लीड फ्री टंकी है, शरीर के लिए कोई तरह का हानिकारक नहीं है, फूड ग्रेड मटेरियल से ये टंकी बना है जो कलकत्ता में इसका कंपनी है और बहुत ही बढ़िया टंकी है दोस्तों, आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, 10 साल का गारंटी देती है कंपनी। तो दो पाइप हमारा इस तरह से नीचे फिर उतरेगा यहाँ पर, जो पाइप एक हमारा सीधे अंदर जाएगा टंकी का पाइप और एक पाइप सीधे बोरिंग के पास जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से घुमा के पाइप को लेके आ रहे हैं, देख सकते हैं जहाँ पर जो छत से नीचे उतरा है वहाँ दरवाजा पाया गया है, द्वार मिल गया है, इसलिए घुमा के फिर यहाँ कर ले रहे हैं। तो अब चलिए दोस्तों टंकी के पास तो पूरा जितना भी फिटिंग करना था कर लिए, अब इस बोरिंग में कनेक्ट होगा जो यहाँ पर देखिए जिया एल्बो के बाद एक नेपल लगा हुआ है 1x6 का छोटा सा, उसपे टेपल टेप लगा के फिर यहाँ पर जिया यूनियन लगा दे रहे हैं, 1 इंची का जिया यूनियन है दोस्तों। फिर उसके बाद चलिए इस पाइप 1 इंची का पाइप जो रहेगा उसको थ्रेड करेंगे, थ्रेडिंग चूड़ी बनाएंगे, चूड़ी बना के फिर इसमें जिया यूनियन में कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास चूड़ी बनाने का सिस्टम नहीं रहेगा दोस्तों तो आप इसके जगह में फिर यूनियन को लगाने के बाद MTA 1 इंची का MTA आता है ब्रास में, विदाउट ब्रास में आप उसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास थ्रेड बनाने का सिस्टम है, थ्रेड ही बना लेते हैं, थ्रेड बना के फिर इसके बाद उसमें कनेक्ट कर लेंगे। इधर मेरे साथ ही कटिंग कर ले रहे हैं क्योंकि गली में अंदर में जो हमारा पाइपिंग होगा वो कंसील्ड होगा उधर, तब तक इधर हमारे दूसरे साथी थ्रेडिंग का सिस्टम कर रहे हैं। एकदम आसानी से थ्रेड हो गया दोस्तों, देख सकते हैं चूड़ी बहुत अच्छा बना। अब चलिए इसको फिटिंग करते हैं जिया एल्बो में, तो कटिंग कर लेंगे उसको पहले क्योंकि पाइप तो लंबा है। कटिंग करने के बाद फिर इसमें 1 इंची का एल्बो लगेगा, 1 इंची का एल्बो जो दोस्तों इसका रेट का बात करें 25 से 30 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसमें टेप्रोन टेप हल्का सा लगाएंगे जो आपको 25 रुपये में मिल जाएगा, 10 का भी आता है, 25 का भी आता है, 20 का भी आता है, जैसा आप साइज लेंगे उस तरह से आपको पैसा लगेगा। अब इसमें क्या है दोस्तों आपको ना ही हम MTA लगाने की जरूरत पड़ेगा इसमें, उसके बाद देखिए एल घुमा के फिर ऊपर से पाइप जो आया इन दोनों में कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें इसका स्टार्टर जो है घर के अंदर लगा हुआ है, देख सकते हैं वायर जो कनेक्ट हुआ है और इसमें पाइप जो है कनेक्ट हो रहा है, ये इससे हमारा देख सकते हैं घर की ओर भी लेके गए हैं और एक टंकी से भी घर की ओर गया है, देख सकते हैं इधर गया, इधर कंसील कर दिए हैं, नल भी लगा दिए, इधर पॉइंट भी दे दिए हैं, एक ताज़ा का दे दिए हैं और एक टंकी से आएगा उसका दे दिए हैं, देख सकते हैं इस तरह से कनेक्ट हुआ है।
कंसील कर देंगे, पार्टी या प्लास्टर मार देंगे। इस तरह से पाइप सीधे ऊपर की ओर ले गए हैं और जो वायर था उसका भी पाइपिंग कर दिए दोस्तों, और टंकी इस तरह से यहाँ फिट कर दिए। अब चलिए इसका सिर्फ ढक्कन लगाना बाकी रहा, और एयर पाइप में देखिए 1 इंच का टीवी लगा दिए।